लोग पूछते हैं कि बॉर्डर्स कब ओपन हो रहे हैं, कब ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं स्कूल वाल के, और फोटो सेशन भी हो रहा है ये आप देख सकते हो। तो ये हल्ला गुल्ला लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम और तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। एक नई व्लॉग के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर हूँ। तो अभी एक चाइनीज़ एक्टिविटी है उसमें जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा रास्ते में जाते जाते कुछ कोरोना के अपडेट्स के बारे में भी बताऊँ आपको। और आजकल मौसम में बाहर है तो कुछ कैंपस की खूबसूरती आपको दिखाऊँ। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद पहुँचते उस एक्टिविटी में, और एक्टिविटी में दोबारा आपसे मिलते हैं। चलो जी चलते हैं। ये चाइनीज करेक्टर्स हैं, इसको हमने लिखना है यहाँ पे। तो ये हमें जो है ना चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो इधर बैठ के हमने चाइनीज़ कैलीग्राफी लिखना है, तो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन देखते हैं, ट्राई करते हैं। और ये क्लासरूम कुछ इस तरह से है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डाइस होता है, डाइस हमने लिखना स्टार्ट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बस यही ये जो कैलीग्राफी का एक्टिविटी था इसके लिए आए हुए थे, ये हमने लिख लिया अपने से कि तू जा रहे वापस। ये देखिए जी, ये हमारे इंटरनेशनल ऑफिस में हम आए हुए थे, तो आप वापस जा रहे हैं। यहाँ से बाहर का नज़ारा ज़रा देखिए कितना खूबसूरत हुआ है। तो बस यही एक जो कैलीग्राफी का एक्टिविटी था इसके लिए हम इंटरनेशनल ऑफिस आए हुए थे, मैं और मेरा दोस्त, और ये ऑफिस पीछे रहा। तो अभी वापस जा रहे हैं, जाके कुछ इफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो जाते हुए रास्ते में जो है ना वो ग्राउंड आता है, तो उस ग्राउंड में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आजकल ये दोस्ताना जो है ना वॉलीबॉल और बास्केटबॉल मैचेस करा रहे हैं डिफरेंट स्कूल्स के दरमियान, तो उसकी प्रैक्टिस वगैरह चल रही है। और आज मौसम भी अच्छा है, तो चलो आगे चल के दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये डोमेट्री पहले दौर में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हुआ करते थे, अभी कोविड की वजह से यहाँ पे स्टूडेंट कम है, तो अब उन्होंने यहाँ पे चाइनीज़ स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया है। और देखिए ये कुछ कैंपस के मनाजर, और ये हमारे जे साहब है, ये न्यूजीलैंड से। देखिए जी, यहाँ पे दोस्ताना मैच चल रहे थे बास्केटबॉल के, और फोटो सेशन भी हो रहा है ये आप देख सकते हो। तो ये हल्ला गुल्ला लगा हुआ है, और उसके साथ ही यहाँ पे वॉलीबॉल मैचेस भी चल रहे हैं। और ये सारा दोस्ताना जो है ना मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर तो जा नहीं सकते, तो यहाँ पे ही इनको इन्वायरमेंट दिया गया है। तो ये आप देख सकते हो, खैर हमारा भी मैच है, हमारा वॉलीबॉल का टीम है, क्योंकि बास्केटबॉल हम लोग सही से खेल नहीं सकते। ये देख लीजिए, ये सारे यहाँ पे प्रैक्टिस और मैचेस वगैरह हो रहे हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे किसी ने वर्जिश एक्सरसाइज वगैरह करना हो, वो भी सामान सारे लगाए हुए, तो जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ यहीं पे लगा हुआ है।
आप यहीं पे अपने जो एक्सरसाइज वगैरह वो कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह के सीन है कैंपस के अंदर, बाहर जाना अलाउ नहीं है पिछले 1.5 महीनों से। तो बस यही सब कुछ चल रहा है यहाँ पे और लाइफ गुजर रही है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बॉर्डर्स कब ओपन हो रहे हैं, कब ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं इसको। तो इसका कोई भी सही से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन पिछले 2-3 महीनों का अगर वो उठा ले तो कुछ हमें ऐसे ईमेल्स वगैरह मिलते हैं जिनके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया था कि आप इस सेमेस्टर या नेक्स्ट सेमेस्टर में वापस आ सकते हो। तो उसके बाद कोई न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू कोई चीज़ इन्होंने शेयर नहीं किया। बस उम्मीद यही की जा रही है कि शायद वाली बात है कि नेक्स्ट सेमेस्टर तक कुछ ना कुछ ये पॉलिसी वगैरह बनाए और स्टूडेंट्स आ जा सकें जी। अब ये देखिए शाम का टाइम है, तो अब यहाँ पे जो है ना तकरीबन इनके डिनर का टाइम हो गया है, तो चहल पहल ज़्यादा है, लोग आ जा ज़्यादा रहे। और इस वक्त मैं इसके साथ आया हूँ, ये कुछ खाना ख़रीदने आया हुआ है। तो देखिए जी, यहाँ पे कुछ ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे आ रहे हैं उस तरफ जित सारे मार्केट्स हैं और ये फ्रूट शॉप यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा जो है ना मार्केट टाइप का बना हुआ है जहाँ पे हर चीज़ मिलता है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही है ये। तो ये सीन है और बहुत मुश्किल है यार लॉकडाउन में लाइफ गुजारना। और यार कभी कभार जब मैं बोर होता हूँ ना तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ये पिंग पोंग खेलने। तो अभी दोबारा आया हूँ यहाँ पे, अभी इस टाइम पे कोई नहीं होता, कुछ देर तक यहाँ पे रश होता है, तो मेरे दोस्त आए हुए तो मैं भी आया हूँ खेलने। ठीक है जी, आज के ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म, आपसे मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।